नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह। जुल्म के जुदेव, जी हां, ये कहानी है जमीन की भूख में एक राजा के विलन बनने की और विलन बनकर एक स्कूल के प्रिंसिपल को अपनी चमचमाती पजेरो कार से कुचलने की। दास्तान है राजमहल के सामने इंसाफ के लिए जनता के आक्रोश की। कार से कुचलने वाला राजा फरार हो चुका है और पुलिस ने उस पर इनाम 5,000 रुपए रखा है। तो आइए देखते हैं एक राजा के अत्याचार की पूरी कहानी। एक भगोड़ा राजा राजमहल के सामने इंसाफ का शोर और राजा पर महज 5,000 रुपए का इनाम। कहानी एक राजा के विलेन बनकर भगोड़ा बनने की है, उसके राजमहल के सामने उठते इंसाफ के शोर की है, जहां लोग अपने कारोबार पर ताले डालकर राजा साहब की करतूत पर चीख रहे हैं, उसकी गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं और राजा फरार है। तो चलिए अब इस कहानी की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले इन तस्वीरों को देखिए। एक वीआईपी नंबर पजेरो कार और कार का टूटा हुआ शीशा। पूछताछ करती हुई पुलिस और थाने में टंगी हुई हथकड़ियां और जिंदगी और मौत के बीच झूलता हुआ यह शख्स। जी हां, कहानी के किरदार यही है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर पूरा माजरा है क्या, कहानी का पूरा क्लाइमैक्स क्या है। तो सुनिए, कहते हैं ना कि वक्त का पहिया जब घूमता है तो राजा को रंक और रंक को राजा बनने में देर नहीं लगती। फिर कुछ ऐसा ही हुआ छत्तीसगढ़ में जशपुर राजघराने के एक चश्मो चिराग के साथ। जब वक्त सही था तो हर चाल सीधी पड़ रही थी, लेकिन वक्त ने पलटी मारी तो सब कुछ एक ही झटके में हवा हो गया। जिस 40 लाख की पजेरो कार में जशपुर रियासत के मालिक मूछों पर ताव देकर घूमने निकलते थे और लोग उन्हें देखकर सलाम ठोकते थे, अब वो कार थाने में खड़ी है और वही लोग राजा साहब की गिरफ्तारी के लिए चीख रहे हैं और पुलिस राजा साहब को भगोड़ा घोषित कर महज 5,000 रुपए का इनाम भी रख चुकी है। किसी तरह विक्रमादित्य सिंह जुदेव का पता मिल जाए और पुलिस हथकड़ी लगाकर उसे हवालात के पीछे डाल। विक्रमादित्य सिंह के खिलाफ थाना जसपुर में 307 आईपीसी के तहत प्रकरण दर्ज हुआ है और वो घटना दिनांक के बाद ही यहां से फरार हो चुके हैं, जिनके लिए 3 टीमें छत्तीसगढ़ झारखंड भेजी जा चुकी हैं, अपडेट लिया जा रहा है और उनके विरुद्ध 5,000 का इनाम भी पुलिस अधीक्षक जसपुर के द्वारा घोषित किया गया है। कहानी में ट्विस्ट ये है कि रातों रात राजा साहब आखिर भगोड़े कैसे हो गए, आखिर राजा साहब ने कौन सी ऐसी करतूत कर डाली जिससे सारा जमाना उनके खिलाफ खड़ा हो गया। जशपुर में विक्रमादित्य सिंह जुदेव के खिलाफ लोगों का क्रोध उबाल मारने लगा। हम आपको बता दें कि विक्रमादित्य सिंह जुदेव पर हत्या की कोशिश का आरोप लगा है। हम आपको इसके बारे में तफसील से बताएं, उससे पहले आपको बता देना चाहते हैं कि विक्रमादित्य जशपुर राजघराने के वारिसों में से एक है। बीजेपी के नेता रहे दिलीप सिंह जुदेव के भतीजे और बीजेपी के ही राज्यसभा सांसद रणविजय सिंह जुदेव के सगे भाई हैं। विक्रमादित्य उर्फ राजा साहब पर इल्जाम है कि उन्होंने जमीन पर कब्जे को लेकर जशपुर के ही एक स्कूल प्रिंसिपल को पहले तो बुरी तरह से पीटा, जब इससे भी उनका जी नहीं भरा तो अपने इसी पजेरो से कुचल कर उनकी जान लेने की कोशिश की और राजा साहब के सितम का शिकार होकर स्कूल प्रिंसिपल परमेश्वर गुप्ता जिंदगी और मौत के बीच झूल रहे हैं और जशपुर राजघराने का ये वारिस फरार हो गया है। देखिए, ये बड़ा अनफॉर्चुनेट इंसिडेंस रहा एंड फॉर्चुनेट और अनफॉर्चुनेट, ऑफ कोर्स ही इज माय यंगर ब्रदर। और ये जो घटना घटी इसकी मैं बिल्कुल निंदा करता हूँ मैं, और कानून को अपना काम करना चाहिए। और मैं विक्रमादित्य से भी कहना चाहूँगा कि भाई जहाँ कहीं भी वो हो,
बिल्कुल उसको सामने आना चाहिए, पुलिस और कानून को सहयोग करना चाहिए और अपना पक्ष भी सामने रखना चाहिए। अब विक्रमादित्य न जाने कौन से बिल में छुप कर बैठा है, लेकिन पुलिस ने उसकी गिरफ्तारी के लिए दो टीमें बना दी हैं और ये दोनों ही टीमें विक्रमादित्य के ठिकानों पर छापे मार रही हैं। वारदात सोमवार सुबह 9:30 बजे की है और विक्रमादित्य का अब तक कोई सुराग नहीं मिल पाया है। हालांकि पुलिस दावा कर रही है कि विक्रमादित्य जल्द उसकी गिरफ्त में होगा। रोहित सिंह के साथ सुनील नामदेव, जशपुर आज तक। विक्रमादित्य सिंह जुदेव, यही नाम है उस राजा का जिसने एक स्कूल के प्रिंसिपल को अपनी 40 लाख की गाड़ी से दो दो बार रौंदा। प्रिंसिपल रांची के अस्पताल में जिंदगी की जंग लड़ रहा है और विक्रमादित्य सिंह जुदेव फरार है। 3 राज्यों में पुलिस राजा को खोज रही है, उसे सरकार हथकड़ियां पहनाने के लिए छापे मार रही है, लेकिन राजा है कि हाथ नहीं आता। जशपुर राजघराने के एक विलेन ने अपने ही सूबे के एक प्रिंसिपल को मौत और जिंदगी के बीच झूलता हुआ छोड़ दिया है। झारखंड की राजधानी रांची के अस्पताल में बारमेश्वर गुप्ता का इलाज चल रहा है और दूसरी ओर एक पिता अपने बेटे की बुरी हालत पर इंसाफ की फरियाद करता फिर रहा है। 47 साल के बारमेश्वर गुप्ता उर्फ आशु वेंटिलेटर पर है। डॉक्टर उनकी सांसों को सलामत रखने के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं और पुलिस विक्रमादित्य को खोजने में लगी है, लेकिन विक्रमादित्य ने जिस बेरहमी से परमेश्वर के ऊपर कार चढ़ाई वो वाकई रोंगटे खड़े कर देता है। विक्रमादित्य ने परमेश्वर को पहले तो कार से टक्कर मारी, फिर उसके ऊपर कार चढ़ा दी। सिर्फ इतना ही नहीं, जुदेव ने अपने पजेरो कार को फिर से बैक में लिया और दोबारा परमेश्वर को रौंदने की कोशिश की। इसके बाद कार को छोड़कर जुदेव फरार हो गया। जिसने भी इस वारदात को देखा उसके रोंगटे खड़े हो गए। अब विक्रमादित्य सिंह जुदेव के खिलाफ जशपुर का एक शख्स खड़ा हो गया और उसकी गिरफ्तारी की मांग कर रहा है। पुलिस के प्रयास जारी हैं और जल्दी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। हमने बाकी अपने बॉर्डर जो स्टेट्स हैं उनसे उनके जहां समन हो सकती है आरोपी मिलने की वहां के एसपी से भी संपर्क कर लिया है। सभी हमें सहयोग कर रहे हैं और आरोपी जल्दी गिरफ्तारी हो जाएगी। निकल कर यहां खड़ा हुआ है और यहां होने के बाद वो विक्रमादित्य अपने गाड़ी में बैठकर पीछे थे, देखकर गाड़ी स्टार्ट किए, उसको डैश किए, गिरा, उसके बाद गाड़ी बैक करके रौंदते हुए निकल गए। तो आपकी आंखों के सामने ही अपने गाड़ी के नीचे मतलब कुचल दिया? हाँ, कुचलने के बाद लड़का छटपटा कर उधर गिरा, वो मैंने खुद देखा है। जब से जशपुर घराने के साहबजादे विक्रमादित्य सिंह जुदेव एक स्कूल प्रिंसिपल को कुचल कर भाग निकले हैं, पूरे सूबे में जैसे भूचाल आ गया है। पीड़ित परिवार जहां इंसाफ की आस लिए फरियाद लगाता घूम रहा है, वहीं राजघराने के लोग हैं कि उनसे जवाब देते नहीं बन रहा। पिछले 20 सालों से मैं उनसे हम लोग अलग रह रहे हैं। जब परिवार बढ़ता है तो परिवार बढ़ता भी है और पिछले 20 सालों से हम लोग पारिवारिक कार्यक्रमों में और शादी ब्याह में और पारिवारिक चीज़ों में मुलाकात होती है, पर पिछले 20 सालों से हम लोग अलग हैं। जो मेरे नॉलेज में है, पुलिस और प्रशासन बिल्कुल तत्परता के साथ पूरा अपना काम कर रहा है और बिल्कुल कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, गिरफ्तारी होनी चाहिए। लेकिन इन सबसे अलग छत्तीसगढ़ में विरोधियों को सियासत चमकाने का मौका मिल गया है। अब सूबे के सियासतदान किसी भी कीमत पर इस मौके को हाथ से नहीं जाने देना चाहते, लेकिन जिस पर यह पूरा बवाल मचा और जिस जमीन को लेकर जुदेव ने परमेश्वर पर अपनी पजेरो कार चढ़ा दी, उसकी कहानी कुछ इस तरह से है। साउथ पॉइंट स्कूल के प्रिंसिपल परमेश्वर गुप्ता उर्फ आशु ने 10 साल पहले जुदेव से बागान की जमीन 48,000 रुपए में खरीदी थी और 1 महीने पहले उस पर निर्माण कार्य शुरू हुआ, लेकिन इस जमीन को वापस पाने के लिए विक्रमादित्य सिंह जुदेव गुप्ता को लगातार फोन कर रहा था। वो ये दबाव डाल रहा था कि वो जमीन परमेश्वर उसे पुराने रेट पर वापस बेच दे, जिसकी रकम वो किश्तों में देगा। लेकिन परमेश्वर ने 10 साल में जमीन का रेट कई गुना बढ़ जाने की बात कहते हुए जमीन बेचने से इनकार कर दिया और उस पर निर्माण कार्य शुरू कर दिया, लेकिन कई दिनों से पानी की कमी के चलते काम रुका हुआ था। 6
6 अप्रैल को जब निर्माण कार्य देखने परमेश्वर प्लॉट पर गया तो पहले से ताक लगाकर बैठे विक्रमादित्य ने अपने गुंडों के साथ मारपीट शुरू कर दी और जब परमेश्वर गुप्ता ने बचकर भागने की कोशिश की तो उस पर अपनी पजेरो कार चढ़ा दी। फिर इसके बाद विक्रमादित्य ऐसे भागे कि उनका अब तक कोई सुराग ही नहीं है। इस वक्त हम जशपुर नगर में हैं, छत्तीसगढ़ में, और यही वो विवादित जमीन है जिसके वजह से सोमवार की सुबह जुदेव राज परिवार के विक्रमादित्य सिंह यहाँ पर आए थे और ये जमीन जिसकी है ब्रह्मेश्वर गुप्ता जो यहाँ पर एक स्कूल बना रहे थे उनके साथ उनका विवाद हुआ, मारापीटी हुई और फिर अपने SUV जो कि पजेरो गाड़ी थी उसके चक्के के नीचे उनको कुचलने की कोशिश भी की गई और अब ब्रह्मेश्वर गुप्ता जो है रांची के अस्पताल में है। अब विक्रमादित्य सिंह जुदेव राज घराने के विलेन बन चुके हैं और जशपुर की जनता ब्रह्मेश्वर के लिए इंसाफ मांग रही है और पुलिस विक्रमादित्य सिंह जुदेव को 3 राज्यों में तलाश कर रही है। सुनील नामदेव के साथ रोहित सिंह, जशपुर आज तक। विक्रमादित्य सिंह जुदेव छत्तीसगढ़ के जशपुर में हर कोई उसके जुल्म से कांपता है। ये समझ लीजिए कि विक्रमादित्य राजा नहीं बल्कि जनता पर अत्याचारों का दूसरा नाम बन चुका है। कभी जशपुर राजघराने के सामने सिर झुकाकर खड़ी होने वाली जनता अब विक्रमादित्य के जुल्म से निजात पाने के लिए अड़ी हुई है। मूंछों पर ताव, हाव भाव में अकड़ और अभिमान से भरा अंदाज, यही है विक्रमादित्य सिंह जुदेव। छत्तीसगढ़ के जशपुर राजघराने से ताल्लुक जरूर है लेकिन यह जशपुर की जनता का खैर ख्वाह नहीं बल्कि लोगों को अपनी क्रूरता का शिकार बनाता है। कहते हैं कि जो विक्रमादित्य का हुक्म नहीं मानता वो उसे अपने पहियों तले रौंद डालता है। कौन है विक्रमादित्य सिंह जुदेव? क्या है विक्रमादित्य का इतिहास? तस्वीरों में दिख रहे इस शख्स के बारे में तो हम आपको बता ही चुके हैं कि ये छत्तीसगढ़ के जुदेव राजघराने से ताल्लुक रखता है। अब आपको ये भी बता दें कि विक्रमादित्य सिंह जुदेव बिलासपुर से सांसद रह चुके दिवंगत दिलीप सिंह जुदेव का भतीजा है और BJP से राज्यसभा सांसद रणविजय सिंह जुदेव का छोटा भाई। जाहिर है एक तो राजघराना, दूसरा राजनीति के दिग्गजों से रिश्तेदारी। विक्रमादित्य का अहंकार इतना बढ़ता गया कि इसने कथित तौर पर जशपुर की जनता का जीना मुहाल कर दिया, उन पर जुल्मों सितम ढाने लगा और जब सारी हदें पार कर गया तो जनता ने इसका विरोध कुछ इस अंदाज में किया। विक्रमादित्य पर फिलहाल एक शख्स को अपनी गाड़ी से रौंदने का आरोप है और सिर पर 5,000 का इनाम। लेकिन ऐसा नहीं है कि राजघराने का यह विलेन अपने कुकर्मों से पहली बार सुर्खियों में हो। कहा जाता है कि विक्रमादित्य पर साल 2010 में 2 नाबालिग बच्चों के अपहरण का आरोप लगा जिनसे विक्रमादित्य पर गुलामी करवाने और मारपीट करने का आरोप था। हम आपको बता दें कि इलाके में अपनी दबंगई को बढ़ाने के लिए विक्रमादित्य निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर 2013 में विधानसभा चुनाव लड़ चुका है लेकिन जनता ने विक्रमादित्य को नकार दिया और जुदेव को हरा दिया। विक्रमादित्य सिंह जुदेव पर उनकी करतूतों को चलते कई मामले चल रहे हैं। विक्रमादित्य पर मारपीट, अपहरण, अदालत की अवमानना जैसे कई मामले बताए जाते हैं। जुदेव पर जमीन के विवाद में एक डॉक्टर को बंदूक की नोक पर धमकाने का मामला है तो अब ये नया विवाद स्कूल के मालिक को कार से कुचलने का खड़ा हो गया है। ये पहला मौका है जब विक्रमादित्य जुदेव की कारगुजारियां राजमहल पर भारी पड़ रही हैं। इसके पहले भी विक्रमादित्य ने कई संगीन वारदातों को अंजाम दिया लेकिन इक्का दुक्का लोगों को छोड़ दे तो ज्यादातर लोग उसके खिलाफ शिकायत तक दर्ज कराने की हिम्मत नहीं जुटा पाए। फिलहाल इस पूरे इलाके में तनाव है और लोगों का गुस्सा राज परिवार के खिलाफ उबल रहा है। जशपुर से रोहित शर्मा के साथ सुनील नामदेव, आज तक। आप देखते रहिए आज तक।